हो रहा था, तो कल अभिषेक बनर्जी भी नहीं बोला था कि जो अगर इसका समस्या का हल ना हो तो बीजेपी का एमएलए एमपी और लीडर्स लोगों का घर में जाके धरना लगाए। तो इसको लेकर आप लोग मतलब उसका जो कहना है उसको, पहली बात मेरे बड़े भाई अभिषेक बनर्जी, आपका नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार कुचबिहार में स्वागत है। आपका ये भ्रमण और आपका ये सैर सपाटा, अच्छा समय है, बारिश का समय है, मौसम भी अच्छा है, बहुत बढ़िया हो, आपको शुभकामना। लेकिन नॉर्थ बंगाल की जनता जो विशेष करके टीएमसी के कारण 2.5 करोड़ नॉर्थ बंगाल की जनता के ऊपर जो आपने अन्याय अत्याचार किया है, पहले आप उनको जवाब दें। नॉर्थ बंगाल की जनता सबसे पहले ये जानना चाहती है, आप कलकत्ता से चार्टर प्लेन में आते हो, बागडोगरा हवाई अड्डे में उतरते हो, आपके जाने तक चार्टर प्लेन खड़ी रहती है, बागडोगरा से आप कार्यक्रम स्थल में जाते समय 25 गाड़ियां का तांतला आपके साथ जाती है, पुलिस प्रशासन जितने दिन आप रहते हो कोई काम होता नहीं, सारे कार्यालय ठप रहते हैं, आपके पास मीडिया से लेकर के आपके सेक्रेटरी से लेकर के यानी चमचे तक 5-स्टार होटल में ठहरते हैं, और जो है आपकी एक यात्रा में मतलब सिर्फ चार्टर प्लेन के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, बाकी होटल गाड़ियां और जिस तरह के मंच आपके लिए 5-स्टार मंच बनता है, और जिस तरह से लोग को पकड़ पकड़ के, और लोग भी कैसे लोग लेके आते हैं, चाय बगान में इन्होंने हाजिरा कम रखा है, 205 रुपए देते हैं। सो जब भी नॉर्थ बंगाल में इनको कार्यक्रम करना होता है, चाय बगान के श्रमिकों के लिए चाय बगान बंद कर देते हैं और उनको 300 रुपए जो है ये लोग प्रदान करते हैं, और उन भोले भाले सीधे जनता को जो है ये गुमराह करके वहाँ पे भोजन देंगे फलाना देंगे बोल के ऐसे पब्लिक इकट्ठा करके ले जाते हैं। नॉर्थ बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपकी एक यात्रा में 2 से 3 करोड़ रुपए ये जो पैसा खर्च होता है, या क्या ये जो गाय और गोरु की तस्करी होती है उसका पैसा है, या जो कोयले की स्मगलिंग होती है चोरी होती है उसका पैसा है, या बागडोगरा और कलकत्ता एयरपोर्ट में कभी बैंकॉक से कभी दुबई से जो सोने की स्मगलिंग होती है टीएमसी की नेताओं द्वारा, क्या यह उस स्मगलिंग का पैसा है, या पार्थ चटर्जी ने जो शिक्षा घोटाले में पैसा का गमन किया था और 50 करोड़ रुपया उनके घर से निकले थे, ये जो 40,000 करोड़ का जो शिक्षा घोटाला हुआ था, क्या ये उसका पैसा उसमें खर्च हो रहा है। आज नॉर्थ बंगाल की जनता ये जानना चाहती है कि एक साधारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और मैं आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ जनता के लिए, मैं अपनी तनख्वाह में से निकाल करके करता हूँ, उसका आप ऑडिट भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, आप नौकरी भी नहीं करते हो, आप साधारण एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और आपकी अटेंडेंस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते 0 के बराबर है। मैं आपसे और यहाँ की जनता ये जानना चाहती, इतने करोड़ों रुपया एक एक यात्रा में जो खर्च होता है, ये किस काला धन का पैसा है, और ये पैसा कहाँ से आया। और रही बात आप पीएफ की और हमारे सांसदों को धमकी देने का काम करते हो, मैं आपके माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आज चाय बगान की 2 सबसे प्रमुख समस्या है, एक मिनिमम वेज, केंद्र सरकार भारत सरकार ने कानून बना के उस कानून को पास किया, लेकिन आज तक आपने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया उस नए कानून को लागू नहीं किया, जिसके अंतर्गत चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों को कम से कम 300 रुपया रोजाना भत्ता मिलता, उसको आपने रोक के रखा है, आपने अन्याय किया है। दूसरी सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या पर्जा पट्टा, 100 साल से 150 साल से 200 साल से पीढ़ियों से अपने घर में है, लेकिन उस जमीन का पट्टा आपने अब तक नहीं दिया। आपने चाय बगान के मालिकों को जानबूझकर के 15% जमीन आवंटन कर दिया, और उस जमीन पे आज 5-स्टार होटल बन रहे हैं, 100-100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस जमीन पे हो रहा है, और उस 15% आपकी योजना के कारण 85% चाय बगान
एक हिसाब से बंद हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी मालिक का उसमें इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। अब उसको होटल चलाना और वहां से कमाई करना उनको ज्यादा इंटरेस्ट का विषय रह गया है। और आपके नीतियों के कारण आज जो है चाय बगान बंद हो रहे हैं, लोगों को पर्जा पट्टा नहीं मिल रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ हमारे अभिषेक बैनर्जी जी को ये बताना चाहता हूँ, आपने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, मैं आपको 6 महीने का अल्टीमेटम देता हूँ। अगर चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों को पट्टा नहीं मिला तो हम आपका घर का घेराव करेंगे। मैं 6 महीने का समय आपको दे रहा हूँ, और किस काला धन किस काले पैसे से आपने अपना घर बनाया है, महल बनाया, हम सब उसकी भी जांच करेंगे, उसको भी देखने आए। सर आज आपने पीएफ ऑफिस में फोन किया, पीएफ फिर से जमा नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहना? देखिए एक चीज हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल विषय होता है, मुझे नहीं पता अभिषेक बैनर्जी को कितना पता है इस बारे में। जहाँ तक प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड जो मालिक है उसको जमा करना होता है, और पीएफ जो डिपार्टमेंट होता है उस पैसे को अपने पास जमा करता है, उसमें इंटरेस्ट देता है। और पीएफ में आज भी बैंक के मुकाबले बाकी किसी भी जो जमा होते हैं, एफडी हो या आरडी, उसके मुकाबले ज़्यादा जो है ब्याज मिलता है। और ये प्रथा आज से नहीं, कई सालों से, और हम सब लोग भी पीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित भी है और हमको ब्याज दर भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन मालिक लोग जानबूझ करके जिनके पास पैसे नहीं होते बदमाशी से जो है पीएफ जमा नहीं करते, ये सच्चाई है और ये होता रहा है। लेकिन फिर उसके बदले पीएफ डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है। मैं आज पीएफ के हमारे कमिश्नर सिलीगुड़ी कमिश्नर को बोला हूँ कि आपने जो पीएफ जमा नहीं किया कितनी कार्रवाई, मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ कितने लोगों के लीगल नोटिस गए हैं, कितने लोग जो है उस पीएफ डिपार्टमेंट से कार्रवाई प्रॉपर होती है। लेकिन जब भी उस कार्रवाई को एग्जीक्यूट करने का समय आता है, पश्चिम बंगाल की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो गड़बड़ करने वाले हैं वो टीएमसी के नेता हैं और टीएमसी से जुड़े हुए हैं। और एक और चाय बगान का मैं काला सच बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, इसको आप जरूर चलाना। आज टीएमसी का जो काला धन है, नॉर्थ बंगाल के ज़्यादा से ज़्यादा जो बंद चाय बगान है उसमें वो काला धन आज यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति के नाम से चाय बगान को चला रहे हैं, क्योंकि काला धन जल्दी से रख नहीं सकते, सीबीआई ईडी पहुंच जाता है। तो काला धन आज चाय बगान में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक कटु सत्य है, ये भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ पीएफ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट केंद्र का है, पश्चिम बंगाल का नहीं है, वो इतने साल से सांसद है, उनको फिर भी इस बात की समझ नहीं है। जहाँ तक लेबर डिपार्टमेंट है वो कंकरेंट होता है, अगर कंकरेंट सब्जेक्ट नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में लेबर मंत्री नहीं होता। अब अगर इतने कोई बुद्धू है, मैं तो ये कहूँगा एक पप्पू दिल्ली में, दूसरा पप्पू पश्चिम बंगाल में। राजू सर, सर